हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विभा किचन एंड लाइफस्टाइल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सूजी और नमकीन की रेसिपी लेकर आई हूं, जो कि बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। देखिए, इसकी झनझनाहट से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कितना क्रिस्पी बना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक तोड़ कर दिखा रही हूं, इससे आपको और भी अच्छे से पता चलेगा कि ये कितना क्रिस्पी बनकर तैयार होने वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना कुरकुरे और क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है हमारा सूजी नमकीन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इसे बनाने से पहले मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए मैंने लिए 2 कप सूजी, बिल्कुल मोटी वाली सूजी ली है मैंने, बिल्कुल भी इसे पीसा नहीं है मैंने मिक्सी में। इसके अलावा हम लेंगे बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। मैंने 1 टेबल स्पून नमक लिया है। अब हम इसे पानी से गूंद लेंगे, आटा की तरह लोई में बनाना है इसका, गूंद के बिल्कुल सॉफ्ट डो तैयार करना है हमें। और इसे अच्छे से गूंदने के बाद हम इसे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख देंगे ढककर किसी गर्म जगह पर, ताकि अच्छे से फूल जाए। थोड़ा थोड़ा मात्रा में ही पानी डालें, जिससे कि आपका जो आटा है वो बहुत ही सॉफ्ट बने। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा डो तैयार हो चुका है सूजी का। अब हम इसे रेस्ट होने के लिए कम से कम 10 मिनट के लिए रख देंगे किसी गर्म जगह पर। तो 10 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स। अब हमें इस तरह से लोई काट लेनी है और आयताकार बनाना है हमें इसे, इस तरह से बेल लेना है आयताकार आकार में। इसे ज्यादा पतला हमें नहीं बेलना है। अब हम एक चाकू लेकर इसे तिरछा कटिंग करेंगे, बिल्कुल इस तरह से कट करना है हमें। अगर आप चाहें तो आप थोड़ा बड़ा भी कट कर सकते हैं, तो इस तरह से कट कर लेना है हमें। अब हम इसे घुमाकर फिर से तिरछा कट करेंगे, इसे बर्फी की डिजाइन देनी है हमें। आप चाहे तो आप स्क्वायर शेप में भी कट कर सकते हैं, पर मुझे इसी तरह के आकार पसंद है इस नमकीन में, सूजी नमकीन में। तो हम इस तरह से कट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कट कर तैयार हो चुकी है। अब हम इसे इस तरह से निकाल के रख लेना है, नहीं तो ये चिपक जाएगी एक दूसरे में। तो इस तरह से निकाल कर हमें रख लेना है, और उसके बाद गर्मा गर्म तेल में हमें इसे छान लेना है। तो फ्रेंड्स, हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, और अब हम इसमें एक एक करके सारी नमकीन डालते जाएंगे। गैस का फ्लेम हम शुरू में फुल रखेंगे, लेकिन जब ये ज़्यादा गर्म हो जाए तो आप इसे लो पर कर दें। सारी नमकीन डालने के बाद गैस का फ्लेम लो कर दें, इससे ये जो हमारा निमकी है वो बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। तो इस तरह से हमें गोल्डन ब्राउन होने तक इसे पका लेना है इसमें। तो देखिए कितना फूल रहा है फ्रेंड्स, हमारा जो निमकी है वो कितने अच्छे तरीके से फूल रहा है सूजी की निमकी, और बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। यकीन मानिए फ्रेंड्स, बहुत ही क्रिस्पी बनने वाला है ये, मैदे की निमकी से भी ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा ये। Thank you.
तो ये देखिए लगभग गोल्डन ब्राउन हो चुका है फ्रेंड्स। ये देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा कि काफ़ी अच्छी तरीके से पक चुका है ऑयल में। अच्छे से फ्राई हो चुका है ये। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है इसका, और यकीन मानिए फ्रेंड्स बहुत ही क्रिस्पी बना है ये। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है इसका गोल्डन ब्राउन। हमारा सूजी नमकीन बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें थोड़े से चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे, और इसे किसी भी एयरटाइट कंटेनर में डालकर आप रख दीजिए, और जब आपका मन हो तब आप इसे खाइए। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।